हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। यानी छत्तीसगढ़ पुलिस डीएफ रिजल्ट अपडेट 2019। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल डीएफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट के बारे में जानकारी लेंगे। जानते हैं क्या होगा रिजल्ट का। 29 सितंबर 2019 का अपडेट है। काफ़ी लंबे अरसों बाद यह रिजल्ट की जानकारी मिली है और जो एकदम पुख्ता है। तो चलिए देखते हैं खबर पूरी विस्तार से। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। छत्तीसगढ़ में 2259 आरक्षक के पदों पर भर्ती निकली थी। इस भर्ती परीक्षा पर अब रोक लगा दिया गया है। परीक्षा देकर जितने भी अभ्यर्थी थे वे रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यह खबर जानकर बहुत नाराज होंगे और यह खबर आप लोगों को मिल भी गई होगी क्योंकि काफ़ी न्यूज़ चैनलों ने इस पर अपडेट दे दिया है, लेकिन मुझे यह खबर मिली है। खबर कहां से है देखते हैं। खबर दैनिक भास्कर पर आई है 28 सितंबर 2019 को 7:10 पर। नया रायपुर स्थित पुलिस हेडक्वार्टर से जारी किया गया है आदेश। इसका मतलब 2259 पदों पर जो भर्ती हुई थी वह भर्ती अब रद्द होगी, अब जल्दी नई भर्ती हो सकती है। प्रदेश की राजधानी रायपुर, लंबे वक्त से छत्तीसगढ़ के युवा आरक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजों का इंतजार कर रहे थे, अब सरकार ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया। नया रायपुर स्थित पुलिस हेडक्वार्टर से आदेश जारी कर इस भर्ती को अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया गया है। साल 2017 में इस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, उस समय बीजेपी की सरकार थी। इसे लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि यह परीक्षा पुलिस भर्ती नियम के अनुरूप नहीं है, ऐसे में इसके आगे की प्रक्रिया पूरी करना ठीक नहीं होगा। अब उम्मीद की जा रही है कि इस भर्ती को लेकर कोई नया आदेश आए ताकि बेरोजगारों के सामने खड़ा रोजगार का संकट कुछ कम हो सके, लेकिन ऐसा नहीं लगता। यही हो सकता है कि सरकार अब पुनः दूसरी भर्ती निकाले और उसमें इन युवाओं की भर्ती कर सकती है। 61,000 आवेदकों ने परीक्षा दी थी, अब 61,000 आवेदक पूरे बेरोजगार हो जाएंगे। यह भर्ती जब की जा रही थी तब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और उस समय डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे प्रदेश के। बीते जुलाई के महीने में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ईदगाह भाटा मैदान में करीब 100 के 1,000 युवाओं ने धरना दिया था और यह धरना लंबे समयों तक चला था। वे इस परीक्षा के परिणामों को जारी करने की मांग कर रहे थे। इसे लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा परिणाम जारी नहीं किए गए। यह मामला बिलासपुर हाई कोर्ट में चला गया। अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाए, लेकिन सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश का जवाब अभी तक नहीं दिया। राज्य शासन ने पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 2259 पदों के विज्ञापन जारी किए थे, जिसमें 61,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। उसके बाद से अब तक परीक्षा परिणाम जारी नहीं किए गए। मार्च 2019 में परीक्षार्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद शासन को आदेश देते हुए परीक्षार्थियों के मामले का 60 दिनों के भीतर निराकरण करने को कहा था, लेकिन 60 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक शासन ने हाई कोर्ट को जवाब नहीं दिया और ना ही बेरोजगारों के लिए कुछ किया। अब भर्ती को निरस्त करने का यह आदेश 61,000 उम्मीदवारों के लिए बड़ा झटका है, और जितने भी भर्ती में शामिल उम्मीदवार थे वे बहुत मायूस होंगे। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। 61,000 आवेदकों के लिए सरकार ने जल्दी से कुछ ना कुछ नई भर्ती या फिर कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि इनकी बेरोजगारी खत्म हो सके। तो इस प्रकार से बड़ी खबर थी छत्तीसगढ़ पुलिस डीएफ रिजल्ट अपडेट को लेकर के। काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे लेकिन मुझे कहीं से भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही थी, ये जानकारी मिली है। यह खबर आप लोगों तक पहुंचा देना चाहिए। आप इस भर्ती के इंतज़ार में, इस रिजल्ट के इंतज़ार में न रहें, आप दूसरी परीक्षा की तैयारी करना चालू कर दें। तो इस प्रकार से अपडेट था। यदि आपको वीडियो या जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें
ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।